आज का टॉपिक बहुत ही मसालेदार है जस्ट बिकॉज इट्स ऑन इंडियन स्मेल्स लाइक करी। I'm sorry, I just can't date y'all because your food stinks. You guys might stink. And now I'm confused. They're like curry, and that's why her pussy smell like curry. I'm sorry. I'm not gonna date no Indian because I really hate the smell of curry and like all these Indians smell. Oh, Indian. I can't do no Indian. They just stank. Smell like cheese. Oh my goodness. अगर आप ओवरसीज रहते हैं या अभी नए नए मूव हुए हैं, यू माइट हैव हर्ड दिस अ लॉट फ्रॉम नॉन इंडियंस एंड दे से दैट इंडियन स्मेल्स लाइक करी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डू वी हैव टू गेट ऑफेंडेड और हैव टू फाइंड आउट व्हाट द रियल रीजन इज? So, let's find out, starting from the reason. Back in days in 2011, 12 or 13, I used to live with non-Indian people and I used to cook a lot back in days. Cooker bhi tha mere paas, curry banata tha main, and all that masala thing was there with me. They always used to complain, Paras, whenever you're cooking, can you please open all the doors and fan, exhaust fan, everything. I used to follow those things but were never able to understood what their nose was sniffing. Kyunki main toh bahut used to tha Indian masale ki smell se, but they were not. Oh god, get that shit out of my face. इसका रीजन बहुत सिंपल है। द स्मेल गेट मोर नोटिसेबल इन ए क्लोज स्पेस। क्लोज स्पेस मींस अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एयर वेंटिलेशन वो स्मेल ज्यादा नोटिसेबल होती है। नाउ लेट्स कम टू द लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। हमारे जो इंडियन स्पाइसेस है, जो मसाले हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं स्मेल में बिकॉज ऑफ दिस यू नो हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला एक्सेट्रा। जब आप कुक करते हैं, इसकी जो स्मेल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट इन्फ्यूज इन योर क्लोथ्स और वुड। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में वुड है या वुडन हाउस है आपका और कपड़े हैं, बहुत आसानी से वो स्मेल इन्फ्यूज हो जाती है। प्रॉब्लम वहां होती है जब उस स्मेल को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता है, स्पेशली इन अपार्टमेंट्स और चिमनी खराब है या सही से चल नहीं रही है, और वो स्मेल बस जाती है आपके कपड़ों में और उस घर में, एंड देन व्हेन यू मूव आउट इन पब्लिक तो वो स्मेल, यू कैरिंग दैट स्मेल इन योर बॉडी। दो सिनेरियोस हैं जहां पे यू कैरी दैट स्मेल अलोंग विद यू। फर्स्ट इज, जब भी आप कुकिंग कर रहे हो किचन में, प्लीज मेक श्योर कि आपका जो वार्डरोब है, बेडरूम है, उसके दरवाजे बंद हो, क्योंकि वो स्मेल आपके कपड़ों में चली जाती है। ऑल दोस क्लोथिंग जो आप बाहर पहनते हो ऑफिस में या पार्टी में, वेयरएवर व्हेन यू गो आउट, सो उस तक पहुंचनी नहीं चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर योर ऑल वार्डरोब डोर्स एंड योर बेडरूम और वेयरएवर इफ यू हैव अ वॉकिंग वार्डरोब, दीस थिंग्स आर क्लोज्ड व्हाइल यू आर कुकिंग। सेकंड रीजन इज, व्हेन यू आर डन विद योर मसाला कुकिंग, जो तड़का लगाते हो आप, प्लीज वो जो कपड़े आपने पहने होते हैं उसको लॉन्ड्री में डालो सीधा, और उस कपड़ों को अलग रखना क्योंकि उस कपड़ों से स्मेल ट्रांसफर हो सकती है आपके दूसरे ग्लोव्स में। सो सेकंड रीजन इज दिस थिंग। एंड अनदर मेन पॉइंट इज अबाउट दोस जैकेट्स, ब्लेजर्स एंड कोट्स व्हाट यू वेयर, वो रोज रोज धुलते नहीं है, वो आप महीने में एक बार ड्राई क्लीन कराओगे या पहनोगे। प्लीज मेक श्योर उन कपड़ों में, आपके जो विंटर वेयर्स है उन कपड़ों में वो स्मेल ना जाए, क्योंकि वो बच जाएगी फिर, जब तक आप उसको ड्राई क्लीन नहीं करोगे वो स्मेल जाएगी नहीं। सो ड्राई क्लीन वाले क्लोथ्स का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। अनदर कॉमन थिंग व्हिच वी डू अनइंटेंशनली इज वी गेट रेडी, वी वेयर ऑफिस क्लोथ्स और इफ यू आर गोइंग आउट एंड देन वी स्टार्ट कुकिंग, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स। वो कपड़ों में ट्रांसफर हो जाती है स्मेल एंड देन यू कैरी दैट स्मेल अलोंग विद योरसेल्फ। लास्ट टिप बिफोर आई गो इज ऑलवेज यूज फैब्रिक सॉफ्टनर व्हाइल यू आर डूइंग लॉन्ड्री, दैट हैज अ मैजिक। ट्राई इट एंड यू नो व्हाट आई मीन माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट इट्स अ फैक्ट। मुझे भी तब पता लगा जब मुझे रियलाइज करवाया गया था बाय नॉन इंडियंस, एंड ऑब्वियसली वो मेरे अपने थे, उनको पता था कि मैं ऑफेंसिव नहीं फील करूंगा, दैट्स व्हाई दे गिव द फीडबैक एंड आई वर्क्ड ऑन दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बट बिफोर गोइंग आई वांट टू टेल यू द डिफरेंस व्हाट आई डिड इन माय लिटिल स्टूडियो। इट्स माय प्लांट, आई शेड द प्लांट। ऑलराइट गाइस, नमस्ते एंड एंजॉय योर डे।